क्रिसमस के त्यौहार को लेकर देश विदेश से तैयारियां जोरों पर है। अज असी तुहानू पठानकोट के उस चर्च में लैके जा रहे हाँ जो ब्रिटिश काल दे विच बन के तैयार हुए सी। मैं पादरी दीपक कुमार, प्रीस्ट इन चार्ज ऑल सेंट्स एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया माधोपुर कैंट। आज माधोपुर कैंट चर्च में बैठे हैं। ये हमारा चर्च जी 1837 ईस्वी से बना है। ब्रिटिश काल से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बनवाया था, तब से ये बना हुआ है। जो सर स्ट्रक्चर है वो तब का बना हुआ है, हमने इससे कोई छेड़खानी नहीं की। जो हमारा इतिहास है उसे बचाने के लिए हमने इसे मेंटेन किया है प्रॉपरली। जहाँ पर सेवादार हैं इसे कली रोगन करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं, ताकि जो हमारा इतिहास है जिसका इतिहास में चर्च बना था, ये बिल्डिंग बनी थी, खूबसूरत बिल्डिंग बनी है चर्च की, वैसे ही रहे। आने वाली जनरेशन इस खूबसूरत बिल्डिंग को देखे और जाने कि ये पुराना चर्च कितना मेंटेन किया गया है, इतिहास के बारे में जाने कि ये कम से कम जहाँ पे से 186 साल हो गए बने हुए चर्च को। ये सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तब चर्च ऑफ इंग्लैंड जो इंग्लैंड में था उन्होंने जहाँ पे चर्च स्थापित किया चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया। उसके बाद बर्मा सिलोन सभी इंडिया में थे पहले, इस चर्च का नाम पड़ गया चर्च ऑफ इंडिया बर्मा सिलोन। आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान आ गया उसमें के बाद इसका नाम चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा सिलोन पड़ गया। आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान अलग हो गया, बर्मा सिलोन अलग हो गए, चर्च ऑफ इंडिया रह गया। सिंस 1984 में हमारी सिनड की बिशपों की जितने हमारे बिशप इंडिया के उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने एक संविधान पास किया कि आज के बाद चर्च ऑफ इंडिया से पहले एंग्लिकन वर्ड यूज किया जाएगा। एंग्लिकन का मतलब है फॉलोअर्स ऑफ इंग्लैंड, उनके ही उनाई हैं, उनके फॉलोअर हैं। 1927 ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट में पास हुआ था, जो हमारी यूनियन थी, संधि थी हमारी चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ, चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया की, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो हमारा चर्च है एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया आज़ाद हो गया, हम ऑटोनोमस बॉडी बन गए, और जिसका हेड है मेट्रोपोलिटन ऑफ इंडिया, जो कि अब सबसे पहले दिल्ली कलकत्ता में बैठते थे, क्योंकि कलकत्ता पहले हमारी राजधानी थी। अब हमारी राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है, और जो हमारे मेट्रोपोलिटन साहब हैं उनका नाम रोकस बन्नाबा संधू जी हैं, वो दिल्ली में बैठते हैं, और वही अमृतसर डायसिस हमारी जो है उनके बिशप भी हैं। चर्च ऑल सेंट एंग्लिकन चर्च मैनेज होता है, इसका प्रबंध सारा एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया की प्रबंधक कमेटी अमृतसर डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन के द्वारा होता है, और जिसका ऑफिस बिशप हाउस 12 टेलर रोड अमृतसर में है, वहीं से सारा इंतजाम किया जाता है। और हमारे जहां इस चर्च के लिए चर्च कमेटी बनी है ऑल सेंट माधोपुर एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया की चर्च कमेटी, जिसके हमारे प्रधान सागर मसीह जी हैं और हमारे एल्डर जोर मसीह जी सेक्रेटरी हैं, सकत्तर हैं, और हमारे विजय कुमार जी जहाँ कैशियर हैं, वही सारा इंतजाम करते हैं। उनकी टीम हमारी क्लीसिया जो जहाँ पर है माधोपुर की, उनका हमें सहयोग के साथ सारा प्रबंध किया जाता है। काफ़ी दूर से लोग जाते हैं, फॉरन से भी जाते हैं, जहाँ पर पुरानी ग्रेवजार में पुरानी कमरें बनी हैं उन कब्रिस्तान को देखने के लिए आते हैं। उनके जो पूर्वज थे पुराने यहीं पर हैं, कब्रिस्तान में दफनाया गया था, तो उन्हें देखने के लिए आते हैं और चर्च की बिल्डिंग देखते हैं कि काफ़ी सब पुराना चर्च बना। तो ऐसे ही ब्रिटिश काल दौरान बने इस चर्च का इतिहास जिसनों देखने के लिए आज भी देश विदेश तो लोग आते हैं। पठानकोट तो जतिन शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब।